चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री केस के बारे में, जो अभी चर्चा में बना हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी को एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में नोटिस जारी किया है। कोर्ट में दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस डॉक्यूमेंट्री से देश के प्रधानमंत्री और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। जस्टिस सचिन दत्ता ने बीबीसी ब्रिटेन के अलावा बीबीसी इंडिया को भी नोटिस जारी किया है और उसने गुजरात के गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ट्रायल की ओर से दायर मुकदमे पर जवाब देने को कहा है। अब हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। बीबीसी ने 17 जनवरी को इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया था। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में जो लिखा था वो ये था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन पूर्व में किया था। कमेटी को दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। SIT ने उस समय कहा था कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। जून 2022 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने SIT की तरफ से मोदी को मिली क्लीन चिट को सही मान लिया था। इस विषय पर विदेशों से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है, क्योंकि बीबीसी ब्रिटेन से बिलोंग करता है, तो ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने भी इस पर एतराज जताया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश संसद में भी चर्चा हुई थी। पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने कहा था कि गुजरात दंगों के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। अब भी दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने ब्रिटिश PM ऋषि सुनक से सवाल किया था कि दंगे में मोदी की भूमिका पर आपका क्या कहना है। इस पर सुनक ने उन्हें जवाब दिया था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से PM मोदी को दिखाया गया है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। ब्रिटेन सरकार की स्थिति स्पष्ट है, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी की जो इमेज पेश की गई है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इसी तरह UK के सांसद लॉर्ड रामी रेंजर ने BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर 18 जनवरी को एक ट्वीट किया था। उन्होंने BBC से कहा कि आपने भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम गुजरात दंगों की निंदा करते हैं, लेकिन आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी आलोचना करते हैं। दूसरी तरफ विदेशी मीडिया ने इसे स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया। विदेशी मीडिया ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर गहराए विवाद को प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा बताया था। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर कई बड़े विदेशी मीडिया संस्थानों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगे प्रतिबंध की आलोचना की थी। इस पर जो विवाद शुरू हुआ था, वो उसकी शुरुआत JNU से हुई थी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने पर केंद्र सरकार की ओर से बैन करने के बाद इस पर बवाल शुरू हुआ। मोदी सरकार की ओर से बैन लगाने के खिलाफ JNU में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई थी। वामपंथी संगठनों की ओर से आरोप लगाया गया कि स्क्रीनिंग रोकने के लिए ABBP के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और मारपीट को अंजाम दिया। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक कई जगहों पर इसकी स्क्रीनिंग करने की कोशिश की गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन का मामला पहुंच चुका है। फैसले के खिलाफ प्रशांत भूषण, N. राम, महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में वकील मनोहर लाल शर्मा ने भी याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्यूमेंट्री के दोनों एपिसोड मंगाकर देखे और इस आधार पर 2002 के गुजरात दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस याचिका में कहा गया था कि देश में डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन की कोशिश कर रहे लोगों पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। याचिका में ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि अनुच्छेद 19(1) और 2 के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं। इसके साथ ही आज के टॉपिक की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।